अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, और यह है अनबॉक्सिंग इनविजिबल शील्ड स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर गैलेक्सी नोट 8 की। अच्छा, आज जो मैं अनबॉक्सिंग बना रहा हूँ वो एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो मैंने अपने गैलेक्सी नोट 8 के लिए लिया है। गैलेक्सी नोट 8 आपको पता है कि उसके अंदर एस पेन होता है, और एस पेन की वजह से स्क्रैचेस जल्दी आते हैं, और कुछ कंप्लेंट्स भी लोगों को आ रही हैं कि एज़ कम्पेयर टू एस 8 प्लस नोट 8 में स्क्रैच जो है स्क्रीन पर जल्दी आ जाता है। तो मेरा जो S8 है उसमें तो अभी तक कोई स्क्रैच नहीं आया, मैंने कोई उसके ऊपर स्क्रीन भी नहीं लगाई हुई थी। बच्चों का अभी अफवाहें बीच में आ रही, तो मैंने आई थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ वेरी गुड स्क्रीन प्रोटेक्टर होना चाहिए। आई डोंट लाइक टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर जो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, फिट ही नहीं होते और एक कड़क कड़क की आवाज़ आती है। सिंपल प्लेन स्क्रीन प्रोटेक्टर मैंने ढूंढना चाहा था, जो मुझे मिल गया बड़ी चीज़, थोड़ा महंगी साइड पे है। ये वाला जो है तकरीबन 1500 रुपये का मिला है मुझे, और उसमें दो हैं केसेस, मेरे ख्याल में दो हैं, आई एम नॉट रियली श्योर, मैं समझ दो होते हैं इसके अंदर, लिखा होता ये था कि 2-pack केस होता है, वो भी हम अनबॉक्सिंग होगा चल जाएगा। हमें 1500 रुपये का लिया मैंने, ऑल माई टेक ऑनलाइन वो है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने, ये इसके बारे में, इसकी खासियत के बारे में लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट एवरीडे स्क्रैचेस, मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डर्ट एंड स्क्रैचेस, एक्सट्रीम HD क्लियर, रिड्यूसेस फिंगरप्रिंट्स, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू क्लीन, नो फेड, नो रेनबो इफेक्ट, वो जो रंग बिरंगा कलर आता है वो, नो वेट स्प्रे नीडेड, जीरो ग्लू रेजिड्यू। बाकी पीछे इसके उन्होंने एप्लीकेशन का तरीका लिखा हुआ है, पूरी किट उसके साथ आती है, तो किस तरह स्क्वीजी साथ होता है, और वो हम देखेंगे क्या बीच में। ये उन्होंने इसका तरीका बताया हुआ है बिफोर अप्लाइंग क्या क्या करना है, डिज़ाइन बताया हुआ है कि डिस्पोजेबल लेयर है, फिर 1, 2 या 3 ऑपरेटिव फिल्म्स हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट है, आई थिंक इज री अर्थ कस्टमर सर्विस, री अर्थ कंपनी की थ्रू से है, इंक्लूड्स फिल्म्स, स्क्वीजी, फाइबर क्लॉथ, टूअल रिमूवल स्टिकर, इंस्टॉलेशन गाइड, अल्कोहल क्लीनिंग वाइप्स, इनविजिबल डिफेंडर कवरेज है वो उसकी शील्ड है, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी हम आते हैं। बाकी और कुछ भी नहीं खास है, बॉक्स पे कुछ नहीं लिखा हुआ, पैकिंग अच्छी है, मगर हम उसकी अनबॉक्सिंग जब आ जाते हैं, ओपन इट फ्रॉम ओवर हेयर। प्लास्टिकी है ये, बीच में देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। और ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है इसका मेन चीज़ है, इसके साथ वाइप है, लेंस क्लीनिंग है, अल्कोहल वाइप जिसे कहते हैं, स्क्वीजी ताकि आप इसके जो बबल्स, एयर बबल्स निकालने के लिए, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और ये स्टिकर्स हैं जो आप डर्ट ताने के ऊपर इसके उतारते हैं करने के कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर मैं घर पे अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1500 रुपये का ये है, तो 750 रुपये का मुझे एक कवर पड़ रहा है, जबकि आप पाकिस्तानी आम नोट 8 कवर लेंगे तो 200-300 रुपये का भी स्क्रीन प्रोटेक्टर आया है। तो चूँकि ये बढ़िया है तो मैं इसे कंपनी से ही, बंदे से ही लगवाऊँगा, वो मैं इसकी अगर वीडियो बन सकी थोड़ी तो वीडियो बना के उसमें वहीं पर दिखा दूँगा, वरना आई जस्ट शो यू द एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। बाकी प्रोटेक्टर्स देख लेते हैं कितने, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि कितने हैं इसके अंदर। प्रोटेक्टर्स दो हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं, दो सेट हैं, सो नथिंग बिगी, दो सेट्स हैं, दैट्स नॉट बैड, यानी 750 रुपये का एक कवर पड़ जाएगा। तो ये है फिलहाल अनबॉक्सिंग उसकी, एंड आई विल कंटिन्यू विद द वीडियो विद द फाइनल प्रोडक्ट, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अगर वो बंदा लगाते हुए, खुद ही लगा कर देखते हैं, एक तो मुझे लगा के देखते हैं उसको, मैं खाली ऑफ कर लेना बेहतर है। मैं ऑफ ही कर लेता हूँ, देखते हैं इसको पूरा साफ कर लेते हैं स्क्रीन को, तो खुद ही ट्राई करके देखते हैं आज क्या होता है। साथ ये स्टिकर हैं इसके, दिए हुए डस्ट स्टिकर कहते हैं इसको, अजीब तरीके से उन्होंने कहा है कि जोड़ना है, आपने उसको ऐसे पकड़ के जोड़ लिया, और यही जोड़ लिया आपने ऐसे,
अब आपने इसे साफ करना है। अब जो है इसका जो वन वाला पार्ट है वो थोड़ा नीचे करके और हम उतारेंगे वन का। ध्यान रखना कि बाकी कुछ ना उतरे, सिर्फ वन ही उतरे। तीन का ध्यान रखना, तीन भी उतर जाता है। इसके वन को उतारना है आपने, तीन को रोकें। अच्छा, अभी उतारने के बाद हाफ उतार के आपने इसको फिक्स करना है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर पॉज कर लेता हूँ, तो नहीं करके फिक्स करना है इसके ऊपर। थोड़ा सा उसमें हमें बबल निकाल, तो बबल के इतने ज़ोर से नहीं निकल रहे होंगे। चलो अब सेकंड टायर है इसका, ये वाला, इसको निकाल के थोड़ा सा यहाँ से उठाएं। और एक ही गो में
थोड़े से बबल्स यहाँ पे हम और निकाल लेते हैं, नज़र आ रहे हैं क्लियरली, तो हम निकाल सकते हैं थोड़ा बबल और निकाल लें। अच्छा मुझसे तो इतने अच्छे के बबल्स नहीं निकले हैं, इससे बेहतर ही था कि मैंने बंदर से करवाया था मछले। अब आखिरी पार्ट में हम इसका एंड का जो है नंबर 3 वाले को हटाएंगे। ये हमने उतार दिया और बड़े ज़ोर से हमने इसको प्रेस करके उधर लगाना है, तो मैं इसकी तरफ ज़ोर से प्रेस करके लगाना है। अच्छा एंड प्रोडक्ट मेरा यही है, आप देख सकते हैं कि इसमें तो काफ़ी मतलब टाइट चीज़ कर दूँ, बहुत सारे बबल्स हैं बीच में। कहते हैं कि 24 to 48 hours में ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं एक फ़ोटोज़ के बाद की भी बना कर दिखा दूँगा ख़त्म हुए कि नहीं हुए। मैंने कहा एक बार खुद ट्राई करके देखना चाहिए, आइंदा मैंने फैसला कर लिया कि मैंने खुद नहीं ट्राई करना, हवा ही जब इतना पैसा लगाया तो बाहर से ही लगवाएंगे। तो ये मेरी अटैम्प्ट थी और एक वीडियो में बिल्कुल 2 फोटो दिखाऊँगा कि 48 hours के बाद क्या हाल है, तो वीडियो लेट अपडेट करूँगा। ये था उसका सारे डिफेंडर्स का लेकर मामला, लेट्स होप्स कि इसके सारे बबल निकल रहे हैं। और जब तरीका तो आपने सीख लिया ना, अगर मैं खुद करना हूँ, कुछ लोग हाथों में बेहतर होते हैं, मैं ज़रा क्लमजी हूँ इन चीज़ों में गाँवों में, तो लेट्स सी कि बबल निकल। और मेरी वीडियो देखी पिछले साल देखा वीडियो का जिसमें मैंने इंस्टॉल करने को, एक तो ये इंस्टॉल होना बड़ा मुश्किल है, बहुत बबल्स बीच में आते हैं, आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, किसी बंदे से जाके इंस्टॉल करवाएं, और इंस्टॉल होने के बाद भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बड़ा स्क्रैची सा इसके ऊपर वो आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, तो मैंने एवेंचुअली इसको उतारा और एक और आम जो बाजार में मिलता है वो वाला मैंने इसके ऊपर लगवाया, सफाई से लगा हुआ भी, तो मैं इसको एक आध हफ्ते से यूज़ भी कर रहा हूँ, तो ये वाला स्मूथ है, कीमत भी ज़्यादा नहीं, 400 rupees में लगाया वहाँ जाके, ये स्मूथ था, आराम से आप पेन इस्तेमाल करेंगे उसका स्मूथ रहता है, मगर तो ये इनविजिबल डिफेंडर था, स्क्रैची था, फ़ोन की जो है ना रेजिस्टेंस आ रही थी उस पर जब आप पेन से लिख रहे थे, तो समथिंग दैट इज़ 1500 rupees का ये था, इसमें 2 थे यानी 750 rupees का एक स्टिकर पड़ रहा था, तो ये वर्थ नहीं है। इससे अच्छा तो ये बता था 300 rupees का उन्होंने सामने का लगाया, 300 rupees का पीछे का लगाया, 600 का हो गया, सो इट्स वर्किंग बेटर दैन द 700 का जो एक आपने 750 का जो एक लेना था। तो इट्स प्रॉबली द वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट मैंने अनबॉक्स की है, अपार्ट फ्रॉम परफ्यूम जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो ये है कि इनविजिबल डिफेंडर इज़ नॉट वर्थ इट, वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इससे बेहतर है जाके जो आम बाज़ार में 300 rupees के स्क्रीन प्रोटेक्टर आते हैं वो लगवाने अपने नोट 8 पे, ये बहुत फजूल चीज़ है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।